हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हुए बवाल में मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक था, जो पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था। तो वहीं अब उत्तराखंड पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि हल्द्वानी हिंसा की जांच कर रही उत्तराखंड पुलिस के हत्या घटना का मास्टरमाइंड चढ़ गया है। हल्द्वानी में बनभूलपुरा हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बनभूलपुरा हिंसा के 16 दिन बाद पुलिस ने इस हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ने बताया कि दिल्ली से अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी हुई है। हिंसा मामले में अब अब्दुल मलिक का बेटा अब्दुल मोई फरार है। बाकी 2 अन्य गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। अब तक इस पूरे मामले में 81 गिरफ्तारियां कर ली गई हैं। पुलिस की कई टीमें हिंसा के अगले दिन से ही इस मास्टरमाइंड की तलाश कर रही थी। तो वहीं अब्दुल मलिक ने अपनी गिरफ्तारी के बाद एक वकील के जरिए हल्द्वानी के सेशन कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। अब्दुल मलिक ने सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अंतिम याचिका दाखिल की है। इसमें उसने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की। तो वहीं 27 फरवरी को अंतिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। बता दें कि हाल ही में हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और उसकी पत्नी सहित 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी करने और आपराधिक साजिश रचने का एक मामला भी दर्ज किया गया था। हिंसा के बाद अब्दुल मलिक फरार चल रहा था और पुलिस ने उसकी संपत्ति को खत्म भी कर दिया है। बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस प्रशासन और मीडिया कर्मियों पर हमला कर दिया था। इस हिंसा में 6 लोगों की जान चली गई थी और करीब 300 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस हिंसा के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 42 आरोपियों को धर दबोचा था और इनके पास से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए थे।